नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। देश का अन्नदाता किसान गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहा है, खेती से उसका मोह भंग हो रहा है। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, देश में खेती का भविष्य क्या है? अलामा इकबाल कह गए हैं कि जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। इसका मतलब यह है कि जो खेत अपने खुद किसान का पेट नहीं भर पा रहा है, उस खेत में उगने वाले तमाम फसलों को आप जला दो। जो किसान कड़ी मेहनत करके हमारे लिए अन्न उपजाता है, हमारे पेट भरने की चिंता करता है, अगर वो उस खेती को करके अपने खुद का पेट नहीं भर पा रहा है तो क्यों उस फसल को जला नहीं दिया जाना चाहिए? और आज क्या हो रहा है, वो फसल को जलाने के बजाय किसान खुद को जला रहे हैं। आप आंकड़े देखिए, एनसीआरबी के जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, पिछले 5 सालों में 70,000 किसानों ने खेती से जुड़े हुए कारणों की वजह से आत्महत्या कर ली है। 70,000! हम आतंकवाद से चिंतित हैं, बहुत बड़ी समस्या है। हम भ्रष्टाचार से चिंतित हैं, बहुत बड़ी समस्या है। हम वामपंथ और दक्षिण पंथ की लड़ाई में उलझे हुए हैं, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हमारा पेट भरने वाला किसान, जिसकी दी हुई रोटी खाकर हम सुबह शाम ये बहस मोबाइल से कर पा रहे हैं, वो 70,000 किसान मर गए और उस पर इस देश में चर्चा नहीं होगी। टेलीविजन चैनलों पर इस किसानों की आत्महत्या के लिए कितना समय मुकर्रर है? टीआरपी की दौड़ में किसानों का ये मुद्दा कहां पर है? जिस देश में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कहते हो कि देश में जो ग्रोथ रेट आती है वो खेती किसानी से नहीं आती है, इसलिए हम सर्विस सेक्टर पर ध्यान देते हैं, अरे तो रोटी कहां से आती है? क्या खेती किसानी से नहीं आती? जिस भारत को गांवों का देश कहा जाता है, किसानों का देश कहा जाता है, उसका किसान बदहाल है तो उसकी चिंता कौन करेगा? 2011 की जनगणना में जो भी आंकड़े सामने आए हैं, उसके जाति धर्म के आंकड़ों की बहुत बात हुई कि दिखाए जाए नहीं दिखाए जाए, उसमें सबसे चौंकाने वाला जो आंकड़ा है, जो हमारे दिल को अंदर तक चुभ जाता है, वो आंकड़ा है कि इस देश में हर रोज 2,500 किसान खेती से दूर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, भयावह आंकड़ा है। ये आंकड़े अगर हमें नहीं डराते तो हमारे भीतर कहीं कुछ मर चुका है। अगर इस देश में 2,500 किसान खेती से दूर जा रहे हैं क्योंकि खेती उनको लाभ का सौदा नहीं नजर आ रही है, खेती करने से उनको घाटा लगता है, वो अपनी जमीन बेच देते हैं क्योंकि वो किसी योजना में आ गई, बाईपास के पास आ गई, वो ये दुआ करते हैं कि खेती करने के बजाय तो ये किसी स्कीम में आ जाए, इनको पैसे मिल जाए और उस पैसे से वो अपने आगे की पुश्तों का काम कर ले, कहीं दूसरा घर खरीद ले और गांव से दूर चले जाए। हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, स्मार्ट खेत, स्मार्ट किसान और स्मार्ट गांव कौन बनाएगा? जब हम गांवों को बेहतर कर देंगे और वहां से शहरों की तरफ पलायन खत्म हो जाएगा तो शहर अपने आप ही स्मार्ट हो जाएंगे। शहरों से की तरफ जो गांवों से पलायन हुआ है आबादी का, क्या उसने शहरों को बर्बाद नहीं किया है? जिस शहर की आबादी को 10 लाख से ज्यादा सुविधाएं शहर में मौजूद नहीं हो, 10 लाख से ज्यादा के ड्रेनेज पानी की सुविधा जिस शहर में नहीं हो, सड़कें नहीं हो, उसकी आबादी 35-40 लाख हो जाती है और हम कहते हैं कि अब इसको हम तोड़ फोड़ के स्मार्ट बनाएंगे, और वो गांव जहां से लोग मजबूर हैं शहर को आने के लिए नौकरी धंधे की तलाश में, खेती किसानी छोड़कर उस गांव को अगर आप बेहतर कर देंगे, उस गांव का विकास कर देंगे, लोगों को गांव में रहने का मकसद देंगे, जीने का मकसद देंगे, तो क्या आपको ये स्मार्ट सिटी की योजना चलानी पड़ेगी क्या? खेती चूंकि घाटे का सौदा बन गई है, तो ऐसा क्या किया जाए कि किसान खेती के प्रति प्रेरित हो? देखिए, ये एक दिन या एक रात का मामला नहीं है, एक सरकार का भी मामला नहीं है, पंचवर्षीय योजनाओं का मामला नहीं है, इस पे बहुत गहन चिंतन और प्राथमिकताओं की आवश्यकता है। कृषि विकास दर जो 2 साल पहले थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई थी, फिर 1.1% पे आई है। कृषि की विकास दर इस देश में 0 तक जा चुकी है। हमको ये देखना होगा कि कृषि हमारे लिए प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर कैसे आए, किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनकी जो फसल उग रही है उसका ज्यादा मुनाफा उनको कैसे मिले, केवल समर्थन मूल्य की राजनीति से नहीं होगा। खेती को लेकर जिस तरह की एक गंभीर और पूरी फोकस वाली अप्रोच की जरूरत थी, वो हम अभी तक नहीं ला पाए हैं। सरकारों की प्राथमिकता सूची में खेती पीछे है। आज मानसून पर जिस तरीके से किसान निर्भर है, ये खेती की विकास दर पिछले 1.5-2 साल में लगातार क्यों बिगड़ी है? क्योंकि इस देश में मौसम बहुत बिगड़ा है पिछले 2 साल में। दुनिया में जो मौसम बिगड़ा उसका असर हमारे यहाँ दिख रहा है। कभी भी बारिश हो रही है, बारिश पिछली दफे कम हुई है, मानसून उम्मीद से कमजोर रहा है। इस साल मानसून कैसा होगा ये हमें पता नहीं है, तो उससे बचने के क्या उपाय हैं? खाद्यान्न के भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं है। आज भी फसल को खेत से लेकर मंडी तक ले जाने में बिचौलियों का जो कब्जा है वो जबरदस्त है।
किसान को उसका पूरा मुनाफा नहीं मिल पाता, बिचौलियों और आड़तियों की पौबारा है, उनका रैकेट इतना जबरदस्त तरीके से तगड़ा है कि वो किसान तक उसका मुनाफा नहीं पहुंचने देते। हमने ये तक देखा है कि बाहर से आने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे किसानों के उत्पाद को कई गुना दामों पर बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमाया है, लेकिन उस किसान की खुशहाली से उनका कोई वास्ता नहीं। हम इन सब मुद्दों पर, फूड प्रोसेसिंग पर, किसान को वहीं उसके खेत के पास उसका बेहतर मूल्य दिलाने जैसे बुनियादी मुद्दों पर जब तक काम नहीं करेंगे, हम निश्चित तौर पर इकबाल के उस शेर को दोहराने के लिए लगातार मजबूर होते रहेंगे। 2500 किसानों को लगातार हर रोज किसानी छोड़ने के लिए मजबूर होना और पिछले 5 सालों में 70,000 किसानों की खुदकुशी अगर हमको खेती के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर नहीं करती, तो मुझे लगता है फिर इस देश को केवल 2020 क्रिकेट ही देखते रहना चाहिए। हमारी प्राथमिकता में शायद कुछ और है ही नहीं। यदि भी देश में मनरेगा जैसी योजनाएं शुरू हुई कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले, लेकिन फिर भी शहरों की ओर पलायन है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये योजनाएं अपने आप में उपहास बनकर रह गई हैं। आप देखिए कि उन योजनाओं का लाभ उठाकर नीचे के स्तर के अधिकारियों ने और बाबुओं ने क्या खेल किया है। कितनी रिपोर्टें आपको मीडिया में मिल जाएंगी जिसमें मरे हुए लोगों के नाम पर मनरेगा के कार्ड बने हुए हैं। कितनी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कि जब बैंक खाता ही नहीं है, जिस जांच करने गए तो वो बैंक खाता ही नहीं था और उसके खाते के नाम पर पैसा जमा हो रहा था मनरेगा में। दूसरे मनरेगा के नाम पर आपने ये कर दिया कि आपने आदमी को और ज्यादा लाचार विवश बना दिया और उसको काम की तरफ आकर्षित करने के बजाय आपने उसको बोल दिया कि हम इतना पैसा तुझे देते रहेंगे। आपने नए रोजगारों के निर्माण में ये पैसा लगाया होता, मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर मकसद हल हो पाता हमारा। आपने कहा कि तालाब खुदेंगे, तालाब कागज पर खुद गए। आपने कहा कि सड़क और नहर बनाने के काम में उस मनरेगा के मजदूर को लगाएंगे, उसको मजदूरी देंगे ना वो नहर। दिक्कत यह है कि आप उन कामों के ऑडिट का क्या तरीका हो, उस मनरेगा के पैसे को सही, जो मैं बात कर रहा, किसान तक पैसा ही नहीं पहुंच पा रहा है, बिचौलियों के आप उस व्यवस्था की खामियों को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप बड़ी से बड़ी योजना ले आइए, वो फेल हो जाएगी जमीन स्तर पर, क्योंकि विकास हमारे यहाँ कागजों पर होता है ना, जमीन पर होता ही नहीं। वो समस्या है सबसे बड़ी। यदि पलायन ऐसे ही जारी रहा तो गांव उजड़ जाएंगे, जमीनें बंजर हो जाएंगी। देखिए, एक तो यह है कि विकास जो है वो विकास क्या है वो भी एक तथाकथित नारा है, लेकिन आप इमारतें बनाना चाहेंगे तो कुछ खेतों की आपको बलि लेनी होगी, लेकिन जब आप उन खेतों की बलि ले रहे हैं तो उसके विकल्प के रूप में दूसरी जगह पर आप क्या कर रहे हैं? दूसरी जो बंजर जमीन है उसको उपजाऊ भूमि में तब्दील, या जो आप विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पर इमारतें खड़ी कर रहे हैं, क्या वो गैर उपजाऊ भूमि पर? हमने देखा कि उपजाऊ भूमि पर कब्जे हुए हैं और उपजाऊ भूमि पर होने वाले कब्जे ने भी खेती किसानी का बहुत बड़ा नुकसान किया है। उनके पलायन के लिए ये भी एक बहुत बड़ी चीज जिम्मेदार है कि जो जमीनों पर कब्जे हुए हैं वो उन हरित जमीनों पर, जिन पर ज्यादा दाम उद्योगपतियों को और इंडस्ट्री लगाने वालों को मिल सकते हैं, तो वो उद्योग बंजर जमीनों पर लग सकते थे, लेकिन खेती बंजर जमीन पर नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि इस पूरी कवायद को बहुत गंभीरता से देखना होगा। ये बहुत आसान प्रश्न नहीं है, इसका हल किसी भाषण से, किसी डिबेट से, किसी वेब वार्ता से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इसकी तरफ ध्यान जरूर आकर्षित किया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं सरकार में और सरकार के बाहर भी जो इसके विशेषज्ञ हैं, निश्चित तौर पर उनकी चिंता का विषय ये होगा, लेकिन आम आदमी को भी पता होना चाहिए कि जिस रोटी को रोज सुबह शाम अपनी थाली में रखकर वो खा रहे हैं, जिस अन्न को खा रहे हैं, जिस दाल को खा रहे हैं, सब्जी को खा रहे हैं, उनको उगाने वाला किसान किस बदहाली में जी रहा है। कुछ किसान ऐसे हैं जो बहुत संपन्न हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उनकी जमीन बड़ी है, वो मालिक हैं, उनके पास पानी के साधनों पर भी उनका कब्जा है, सरकार की योजनाओं का लाभ भी उनके पास सबसे ज्यादा है, लेकिन मझोले और छोटे जो किसान हैं, निश्चित तौर पर उनकी स्थिति इस देश में लगातार खराब हुई है। उनको इस पलायन से दूर करने के लिए हमें इन मुद्दों की गंभीरता को समझना होगा। मेरी ये गुजारिश भी है कि इन मुद्दों को ज्यादा प्रमुखता से उठाया जाए, अखबारों में, टेलीविजन चैनलों पर इसको ज्यादा स्थान मिले, तो शायद सरकार और उसके अधिकारी भी इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे देश में किसानों की स्थिति की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।